करके बनाने जा रहे हैं और इन सड़कों को भी हम बनाने का काम। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. अच्छा चलाने वाले व्यक्ति थे और वह जिनको साथ में जो उसको कचरा उठाने वाले थे, कितने वर्षों से उनको पेमेंट नहीं मिला है ये हमको सिर्फ बता दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को सूचना देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आग्रह करना है कि एक कल देश में संविधान सभा के दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बिहार के सनातन के प्रतीक और देश के सनातन के प्रतीक संस्कृत और बिहार की मैथिली भाषा में संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया, इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। पहले बात हो जाना। अरे पहले एक बात आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूचना हो गया, डिस्कशन नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सूचना दी है जो हम लोग के लिए बहुत, बिहार के लिए बहुत बेहतर है कि जो अपना संविधान है, कल माननीय राष्ट्रपति जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संविधान की संस्कृत में और मैथिली में उसका अनुवाद उन्होंने
जनता को लोकार्पित किया है। अगर आप सबकी सहमति हो तो हम लोग माननीय राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे सकते हैं। ये विषय कहाँ है यार, ये विषय कहाँ है? अरे ये विषय कहाँ है? अब प्रश्नोत्तर काल होगा, अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा, माननीय महोदय, जो शून्य काल में ना होगा, प्रश्नोत्तर काल के बाद ही ना होगा, प्रश्नोत्तर काल के बाद ही विषय लिए जाएंगे, उसके बाद इस विषय पर विचार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण कार्य विभाग को। बैठ जाइए। जिस पेपर के आर्टिकल से मैंने ये क्वेश्चन को देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि 5 साल की मेंटेनेंस अवधि पुराने सड़कों की होती थी, अब बिहार सरकार ने इसको 7 साल कर दिया है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार की मंशा, माननीय मंत्री जी की मंशा है कि ग्रामीण सड़कों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्थिति में रखा जाए। 1,18,000 किलोमीटर सड़कें, ग्रामीण सड़कें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जैसे अब सत्ता संभाल लिया उसके बाद से, तो पहले धन्यवाद देते हुए मैं माननीय मंत्री जी से बस एक दो चीजें जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में 11/9/24 को बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अनुरक्षण वाली सारी सड़कों का 15 दिनों के अंदर निरीक्षण करके और जितनी ज्यादा सड़कें नहीं हुई हैं उसको अच्छे से मेंटेनेंस में रखा जाए और अगर जिसने नहीं किया है उस पर कार्रवाई भी की जाए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी सड़कों का निरीक्षण हुआ, कितने किलोमीटर और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई अगर दोषी पाए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, हम बताना सदन को ये बताना चाहते हैं कि ये तारीख 30 नवंबर तक का है और 30 नवंबर से पूरे जिलाधिकारियों का भी इसमें डिटेल आ जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये चिंता है कि जो सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में हैं उनको हम मेंटेन करें और विभाग ने यह निर्णय किया है कि मेरा बिहार मेरी सड़क एक ऐप आएगा और उसमें हर एक ब्लॉक की जितनी सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में है उस ऐप में रहेगी। कोई भी बिहार की जनता उसका फोटो लेकर के अगर सड़क मेंटेन नहीं हो उसमें डालेगा, हम एक हफ्ते के अंदर ठेकेदार और जो इंजीनियर हैं उनसे सोकॉस करेंगे और सरकार की ये सड़कें जो है उसको मेंटेनेंस में रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा पूरक है, 7209 टोले अभी संपर्कता से वंचित है, उसको सरकार की क्या योजना है, कितने दिनों में उन टोलों को संपर्कता प्रदान करेगी सरकार? बस ये प्रश्न से बाहर है लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 250 बसावटों को संपर्कता देने का, एकल संपर्कता देने का निर्णय किया था। अब सरकार की निर्णय है कि जो 100 बसावट है उनको भी हम एकल संपर्कता देने का काम करेंगे। उस पर हम लोगों का सर्वे चल रहा है, जितने सर्वे में आए तो उसमें कहीं कहीं दोहरी संपर्कता का भी है। हम एकल संपर्कता को छांट रहे हैं और बहुत जल्द इस पर भी हम लोग इस सड़कों को भी बनाने का टेंडर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह महोदय, जवाब आया है, पूरक पूछिए। और वह जवाब बड़ा भेग है, अस्पष्ट है, इसलिए मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं सरकार के। आप पूरक पूछिए ना, पूरक पूछिए अमरेंद्र बाबू, पूरक पूछिए। महोदय ये आपने पंचायतों पर छोड़ दिया ई रिक्शा का प्रश्न, आपके सामने है उसका उत्तर। पूरक पूछिए अमरेंद्र बाबू, यार देख के मेरी ओर देखिए। और पंचायतों को आपने छोड़ दिया कि पंचायत उसको मेंटेन करेगा, पंचायत की हैसियत है क्या? यह मामला नीतिगत है जरूर, लेकिन पंचायतों पर छोड़ने का सारा ई रिक्शा और पैडल रिक्शा अध्यक्ष महोदय सब बेकार पड़े हुए हैं। पूरक क्या है उनका मेंटेनेंस, तो क्या सरकार उनको मेंटेन करने के लिए अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करके राज्य सरकार स्वयं उनका मेंटेनेंस कराने का और
और उनको ठीक ठाक करा करके पंचायत के भरोसे नहीं छोड़ के ऐसा करने का विचार रखती है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी पुराने सदस्य है महोदय, और बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है महोदय, पूछा है। ये स्वच्छता का जो काम है महोदय, बहुत महत्वपूर्ण काम है और मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। और माननीय सदस्य की चिंता यह है महोदय कि जो काम हो रहा है, स्वच्छता का काम हो रहा है, घर घर से कचरा उठाव का काम हो रहा है, और उसमें जो ठेला खरीदे गए हैं जिस पर कचरा लाद कर WPO तक लाए जाते हैं महोदय, और वहाँ पर जो ठेला है और जो रिक्शा है महोदय, वो खराब की हालत में है, उसको कैसे ठीक करा जा सकता है? तो ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त राशि रहती है महोदय, और एक साल तक मेंटेन करने का काम विभाग के तरफ से किया जाता है, और एक साल के बाद, अरे सुनने दीजिए उनको ना, एक साल के बाद वो जो खराब हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो ग्राम पंचायत में 15वीं वित्त की जो राशि है महोदय, उस माध्यम से उसको ठीक ठाक करा करके इस योजना को संचालित की जाती है। बोलिए महोदय, मैं जानना चाहता हूँ सरकार से, एक तो मैं जानकारी भी देना चाहता हूँ कि मजदूरों का भी, उनका जो मजदूरी है वो बाकी है, 6-6 महीना से बाकी है, और वो भी नहीं दिया जा रहा। एक दूसरी बात, ये इसका पूरा, इसकी समीक्षा करा के क्या सरकार पूरा समीक्षा करा के इस मामले में जांच करा करके ठीक से उसका मेंटेन नहीं, तो आखिर किसने, ये लापरवाही किसने की, इस सब का पता करके, और इस योजना, ये बहुत सुंदर योजना है और इससे बड़ा फायदा होने वाला है भविष्य में, बहुत लाभ होने वाला है। माननीय मंत्री, तो इस पर जरा गंभीर होकर सरकार इस पर कैसे, मैंने माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है महोदय कि एक साल तक मेंटेनेंस का काम, और जो हमारे स्वच्छता कर्मी जो काम करते हैं उनको हम एक साल तक मानदेय का भुगतान करते हैं महोदय, और एक साल के बाद जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनको भुगतान करने का निर्देश दिया गया महोदय। और हर घर से कचरा जब कलेक्शन होता है महोदय, तो मात्र 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जो ग्राम पंचायत में जो हमारे लाभुक हैं उनको देना है महोदय, और अगर ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये ग्राम पंचायत को देखना है कि आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहा है। और इसके अलावा भी 15वीं वित्त के पैसे ग्राम पंचायतों को मिलता है महोदय, उसके माध्यम से चाहे उनके मानदेय हो, चाहे ठेला और रिक्शा खराब हो, चाहे अन्य प्रकार की जो कमी, उसको दूर करने का निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। हो गया। मंत्री जी से महोदय, इन्होंने कहा कि प्रखंड को यह जिम्मेवारी है कि रिक्शा कब बनेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में है कि कितने पंचायतों में प्रखंड के द्वारा वह रिक्शा का रिपेयरिंग कराई गई है, और क्या सरकार को संज्ञान में है कि वह जो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति थे और वह जिनको साथ में जो उसको कचरा उठाने वाले थे, कितने वर्षों से उनको पेमेंट नहीं मिला है, ये हमको सिर्फ बता दिया जाए। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है महोदय, ये प्रखंड की जवाबदेही नहीं है महोदय, ये ग्राम पंचायत को जवाब दे गया है। ग्राम पंचायत के जो हमारे माननीय मुखिया हैं उनके देखरेख में ये काम होता है महोदय। और माननीय सदस्य के संज्ञान में अगर कोई जानकारी है कि अमुक के व्यक्ति को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ जो स्वच्छता कर्मी हैं, और अगर ये जानकारी देंगे तो 15 दिन के अंदर उनको भुगतान करा दिया जाएगा। और ऐसी जानकारी अगर कहीं, हमको तो जानकारी है कि हमने निर्देश दिया है कि 15वीं वित्त की राशि से सबको मानदेय का भुगतान कराना है, अगर भुगतान नहीं हुआ है तो उसकी समीक्षा भी करेंगे और 1 महीने के अंदर उसको भुगतान करने का निर्देश, कड़ाई के साथ पालन करने का भी निर्देश देंगे। महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए, मैं अपने
क्षेत्र के कई लोगों का नाम मैं मंत्री जी को लिख कर दूंगा जो एक साल से मानदेय उनको नहीं मिला है और रिक्शा ठेला महोदय सारा टूटा फूटा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का था, गांव की साफ सफाई हो रही थी, लेकिन एक साल से ये बंद है महोदय। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने बैठिए माननीय मंत्री जी ने सुनिए माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, अगर कहीं से भी कोई जानकारी आपके पास है किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, कोई कठिनाई है, तो माननीय मंत्री जी को लिख के दीजिएगा, तुरंत कार्रवाई करेंगे, इसके बाद बोलने का सुविधा नहीं होता। श्री ललित कुमार यादव दे दीजिए, लिख के दे दीजिए ना, लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए भैया, अरे लिख के दीजिए ना। चलिए ललित जी, अध्यक्ष महोदय उत्तर प्राप्त है। हाँ पूरा पूछिए। माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, इनका पंचायती राज विभाग का अनुसर्वण पदाधिकारी 29/12/2022 का ये पत्र है जो सभी प्रखंड में पंचायत संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे, तो ये अब दे रहे हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और राशि भी संभवतः उपलब्ध करा दिया गया, तो सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं इसका कोई पत्र निरस्त करने के लिए विभाग से पत्र कोई गया जिस तरह से स्वीकृति प्रस्ताव गया। दूसरा, ये विभाग का सही मार्गदर्शन और उदासीनता के कारण ये योजना का कार्यान्वयन नहीं हुआ है, तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपका पत्रांक दिनांक क्या है जिससे निरस्त किए जो योजना स्वीकृत था। माननीय मंत्री पंचायती राज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ललित बाबू बहुत पुराने सदस्य हैं और सरकार में भी रहे हैं। बिहार पंचायती राज विभाग 2022 में पंचम से पैसा भेजा था, लेकिन अभी वर्तमान में वह पैसा दिया गया था प्रखंड पंचायत समिति संसाधन केंद्र बनाने के लिए, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि पंचायत समिति संसाधन केंद्र में प्रस्तावित गतिविधि हेतु प्रखंड कार्यालय में ही जगह दिए जाने पर निर्णय लिया गया है, अतः एक ही प्रायोजन हेतु दो मद से राशि व्यय किया जाना कहीं से उचित नहीं होता है, अतः उक्त राशि के व्यय के संबंध में पृथक दिशा निर्देश शीघ्र दिया जाएगा। एक महीना में हम लोग विभाग से दिशा निर्देश दे देंगे कि वह पैसा कहाँ खर्च करना है। मैंने आप कहना क्या चाहते हैं मंत्री जी कि जो प्रखंड कार्यालय आपका है उसी में आप पंचायत समिति संसाधन केंद्र खुलेगा क्या? हाँ, उसी में खुलेगा जी। ठीक है, उसी में खुल रहा है, इसलिए उस पैसा को अलग से हम लोग उसको पहले इनका हो जाना। महोदय ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा, आपने निरस्त किया है तो कोई निरस्त का पत्र विभाग से निर्गत हुआ है? निरस्त हमने नहीं किया। नहीं तो निरस्त नहीं किया तो कब तक निर्माण कराइए पंचायत समिति संसाधन? पंचायत संसाधन केंद्र अब नहीं निर्माण, इसलिए कि प्रखंड हमने कहा है कि पंचायत समिति संसाधन केंद्र में प्रस्तावित जो गतिविधि हेतु प्रखंड कार्यालय में ही जगह दिए जाने पर निर्णय लिया गया है, प्रखंड कार्यालय में ही निर्णय लिया गया है पंचायत समिति सरकार भवन कार्य करने के लिए, अतः एक महीना में हम लोग उस पैसे को कहाँ खर्च किया जाएगा उसको हम लोग मार्गदर्शन भेज देंगे। बोलिए। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 384 ऐसे प्रखंड हैं जहां पर आईटी भवन या फिर प्रखंड सा अंचल भवन का निर्माण नहीं हुआ है, वैसे जगह पंचायत समिति संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें मेरा ढाका घोरासान प्रखंड भी आता है। तो निर्णय तो है कि 384 जगह बनाया जाना है और विगत 3 वर्षों से यह राशि प्रखंड कार्यालय में पड़ा हुआ है पंचायत समिति में। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि जब सरकार का निर्णय है कि जहां भवन नहीं है, प्रखंड भवन नहीं है, वहां बनाना है, तो पैसा रुकने का कारण क्या है? क्यों रुका हुआ है 3 वर्षों से? सारे प्रमुख परेशान है, सभी समिति परेशान है, बैठने का जगह नहीं है। निर्णय तो है कि बनाना है, 384 जगह क्यों नहीं बना? अध्यक्ष महोदय, जब प्रखंड में ही जो है प्रखंड मुख्यालय में यह गतिविधि चालू होगा तो अलग बनाने का कोई औचित्य नहीं, और ये पंचम का पैसा है हम लोगों ने पृथक करने का जो है हम प्रखंड कार्यालय में बनने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इसमें तो अनिवार्य रूप से आपका हस्तक्षेप होना चाहिए। सरकार का निर्णय है,
विभाग के द्वारा मंत्री जी को समुचित जानकारी नहीं दिया जा रहा है। तीन वर्षों से राशि पड़ा हुआ, ये गंभीर मामला है। हम आग्रह करेंगे कि ये राशि खर्च होना चाहिए। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, हो गया जवाब, हो गया, अब क्या होगा? नहीं अमरेंद्र महोदय, बात बोली महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है, उत्तर प्राप्त नहीं, उत्तर प्राप्त नहीं है। बैठ जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, अगले दिन करेंगे। नहीं महोदय, कल कल इसको करा दीजिए, कल करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, कल आएगा, कल। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, कामगार पूरक पूछिए। जी पूरक पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कामगार मजदूर और श्रमिकों से संबंधित ये प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। और विभाग के अधिकारियों ने मंत्री जी को सिर्फ औपचारिकता पूरा पूरक पूछ रहा, औपचारिकता पूरा करने का उत्तर दिया। विजय जी प्लीज, जी देखिए अल्पसूचित पंच का 20 मिनट केवल समय जी अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्यों का है। अध्यक्ष महोदय पूरक पूछ रहा हूँ। मेरा पहला पूरक है अध्यक्ष महोदय कि 2,16,776 जो आवेदन कामगारों ने दिए, पूरे बिहार में 57,700 को अस्वीकृत कर दिया गया। पूर्णिया जिला में 2,267 में जी 1750 में अस्वीकृत कर दिया गया। क्या मंत्री जी इतने बड़े संख्या में जो अस्वीकृत वहां के विभाग के अधिकारियों ने किया है, उसकी मुख्यालय के अधिकारी से जांच कराकर उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं? माननीय मंत्री, एक्चुअली पहले तो माननीय सदस्य ने पूछा था कि 22% ऐसे आवेदन करता है जो रजिस्टर्ड लेबर हैं, वो 22% उनका अस्वीकृत किया गया है। ये किसी पेपर में पढ़ के ऐसा प्रश्न पूछा गया था। सच्चाई यह है कि 2,00,000, इन्होंने कहा था कि 90,000 आवेदन प्राप्त हुआ है, आवेदन प्राप्त हुआ है 2,17,000, और 2,17,000 में 57,719 आवेदन अस्वीकृत किए गए। एक्चुअली होता है क्या इसमें कि लेबर को अपने से स्वघोषणा करना रहता है, या तो उसका कार 90 डेज अगर काम उसने किया है ऐसा उसके पास प्रमाण है, ये पोर्टल पे अपलोड करना है। दूसरा चीज है कि आवेदन की तारीख के 90 डेज अगर आवेदन किया और 90 डेज में उसका निष्पादन नहीं हुआ, अस्वीकृत हुआ, तो सीधे एलएस के पास जाएगा, श्रम अधीक्षक के पास जाएगा। और 30 डेज के अंदर अगर एलएस नहीं करता है कुछ, उस पर अगर कार्रवाई नहीं करता है, तो लेबर का आवेदन स्वतः अपलोड हो जाता है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन दो तीन चीज उस पर ध्यान देने की बात है। अस्वीकृत करने की जो स्थिति है वो किसी का इंटेंशन का स्थिति नहीं है, इसमें कार्य प्रमाण पत्र चाहिए, अथवा स्वयं अपना घोषणा करें कि नहीं मैंने 90 डेज काम किया है। दूसरा है कि आवेदन की तारीख के गत वर्ष 90 दिन में कार्य किया जाना निश्चित है, आवेदन किया और 90 डेज के पहले वो काम ही नहीं किया है तो उसका आवेदन रद्द होता है, इसमें किसी तरह की आवेदन नहीं है। और सभी माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा, मैंने मंत्री बनने के बाद पूरे बिहार में 1,017 कैंप लगाया है जिसमें 2,57,000 आवेदन आया था, और अभी भी मेरा अभी हम सदन के पटल पे रख देंगे, पूरे बिहार में डेट और टाइम निश्चित है, हर प्रखंड में कैंप लगना है और कैंप की तिथि भी हम बता देंगे। और सभी माननीय सदस्य आग्रह होगा, सही बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो कामगार जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसमें 17 तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है, ऐसे किसी ऐसे प्रदेश में, देश के किसी से प्रदेश में इतना लाभ किसी लेबर को नहीं मिलता है। मैं तो इस पहली बार मैं जवाब दे रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा
और माननीय सदस्य आग्रह करूंगा कि जिस दिन कैंप का डेट है हम सदन के पटल पर रख देते हैं, उस दिन उसमें खुद अपियर हो, और अपियर होने के बाद अगर स्वीकृत की करने की इंटेंशन किसी की हो तो बताएं, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। श्री जीवेश कुमार हो गया, जीवेश कुमार अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब बड़ा स्पष्ट है। जीवेश कुमार जी, इसमें मेरा जो पूरक, सीधा मैं पूरक पे आ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जीवेश जी, पूरक सरकार ने कबूला है कि जो आवास है 1,01,704 आवास अपूर्ण है, तो मेरा सरकार से सवाल है कि ये कब तक इसको पूरा करेंगे, पहला। दूसरा है कि इंदिरा आवास योजना बंद हो गई, इसके तहत 1,01,704 आवास अपूर्ण है। इंदिरा आवास में हुजूर केवल 70,000 रुपया मिलता था, इसको मैंने कहा है कि इसको आप प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित कर दीजिए, गरीब आदमी को 1,20,000 रुपया मिलेगा। पूरक है कि एक सरकार ने जो कबूला है कि 1,01,704 आवास अपूर्ण है, माननीय मंत्री जी उसको कब तक पूरा करा देंगे, मेरा पहला पूरक। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंताबाजी है महोदय कि गरीबों का घर बनना चाहिए, जब स्वीकृति मिली है। ये 2012 से लेके महोदय 2015-16 तक राज्य में इंदिरा आवास योजना चलती थी महोदय, और समय पर पूरा नहीं होने के कारण भारत सरकार ने राशि बंद कर दिया था महोदय। और भारत सरकार ने राशि बंद कर दिया महोदय, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता हुई कि इसको पूर्ण कराना है महोदय। तो हमने समीक्षा किया, और समीक्षा के उपरांत महोदय हमने विभाग को निर्देश दिया महोदय कि इसको हर हालत में पूरा करना है। और भारत सरकार से में जो लंबित राशि है हमारी महोदय, उसके लिए भी हमने पत्राचार किया है भारत सरकार से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महोदय अलग से राशि उन्होंने दिया है महोदय, ताकि उसको हम लोग पूरा कर सकें। तो जो लाभुक है महोदय, उसमें बहुत सारे लोग मृत हैं महोदय, और बहुत सारे लोग प्लान कर गए हैं महोदय। तो सबकी समीक्षा करके हम इस दिशा में लगे हुए हैं महोदय। 1,01,704 आवास अपूर्ण है, हमने जीविका से उसको जोड़ने का काम किया महोदय, क्योंकि जिनको घर मिलता है महोदय वो गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए लगाया है, और हर हालत में ये घर पूर्ण हो महोदय इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो लाभुकों को घर बनाना है महोदय, हम तो उनको राशि देते हैं और राशि के उपरांत पूरा करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं, DDC के स्तर पर करते हैं महोदय। लेकिन ज़्यादा जटिल समस्या जब हो जाती है तो उनको उजला नोटिस जारी करते हैं, लाल नोटिस जारी करते हैं, सर्टिफिकेट केस करते हैं, और राशि जो ली गई है महोदय लगता है कि अब नहीं बनाएंगे, तो उनसे लेने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन कोशिश ये है कि 1,04,000 से जो लोग अभी आवास अपूर्ण है महोदय, उसको पूरा करने की दिशा में हम जल्द से जल्द इसमें निपट लेंगे, और गरीबों को घर मिल जाएगा, ऐसी कोशिश हमारी जारी है। अब तारांकित पर ले जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, एक किसका पूरक था, एक ही पूरक मैंने पूछा है अध्यक्ष महोदय। श्री देवेश कांत सिंह, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि 19,620 घर पूरा किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना से भी हम घर बना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, तो इस देवेश जी उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए देवेश जी। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से बढ़ गया के? मैं आपके माध्यम से 25 मिनट हो गया आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, एक ही प्रश्न के तीन पार में तीन तरह के जवाब आए हैं। 15/7/2023 को एक माननीय मंत्री कहते हैं कि यह सड़क संवेदक द्वारा रख रखाव नहीं किया गया है, इसलिए उसको हम बर्खास्त करेंगे, काली सूची में डालेंगे। 15/7/2024 भी पार हो गया। 24/6 को कहा जाता है कि हम इस पर काम करेंगे, और पुनः मेरे प्रश्न में जवाब है कि यह 31/3/2024 तक का हम करेंगे। तो मेरा यह पूछना है माननीय मंत्री जी से कि यह सड़क जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बीच अवस्थित है, माजी बरौली और मोहम्मदपुर छपरा NH को क्रॉस करती है, थावे जैसे मुख्य
हमारे धर्मस्थली को जाती है। पूरक कुछ क्या है? पूरक क्या? तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनका जो जवाब है कि 31/3/2024 तक जिसका रखरखाव या अनुरक्षण नीति से बाहर है उसका विचार करेंगे, इसका विचार करके इसके बारे में, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, 6.5 किलोमीटर सड़क है। सड़क बनाना, एकदम सड़क बनाना ही चाहते हैं। अब मैं स्पष्ट किया है कि लगभग 28,000 किलोमीटर सड़कें, बैठ जाइए अध्यक्ष महोदय, 28,000 किलोमीटर सड़कें, जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए थे तो मात्र 8,000 किलोमीटर पक्की सड़क इस प्रदेश में थी, और उनके 19 वर्ष के कार्य में इस पक्की सड़कों की संख्या 1,17,000 किलोमीटर हुई है। ये बड़ा अचीवमेंट है, और हम ये मानते हैं कि जो सड़कें हमारा मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर गई है उसके लिए नेता ने एक नया योजना की शुरुआत की है, और हम 31/3/2025 के पहले उन सड़कों को 28,000 किलोमीटर सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है उनको हम टेंडर करके बनाने जा रहे हैं, और इन सड़कों को भी हम बनाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न में सड़क है उसके बारे में, उस सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है, वही तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं। ये अब ये हमारे विभाग ने माननीय नेता के निर्देश पर निर्णय किया है, जितने सड़कें जो मेंटेनेंस पॉलिसी से बाहर है उन सभी सड़कों का, 28,000 किलोमीटर सड़कों का हम निर्माण करेंगे, और ये सड़क उस 28,000 किलोमीटर में शामिल है। वाह, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, इसमें एक विशेष बात है कि उसमें पिछला जवाब आया था कि 4 वर्ष से नहीं हो रहा था ना, आपको श्रीमती कुसुम देवी, इसी में एक और सड़क है, इसी में एक और सड़क है जिसका 6 महीने से प्रस्ताव पड़ा है मुख्यालय में, जो छूटा हुआ सब बनेगा, ऐसा माननीय मंत्री ने कहा ना। आज 4 साल से जो उस पर कार्रवाई क्या होगी, 4 साल से नहीं बना उस पर क्या कार्रवाई होगी, 4 साल से इस पर कोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जल साधन विभाग से यह बात कर रहे हैं? अरे रुको, बोलिए। ग्रामीण कार्य विभाग पिछले सरकार में हमारे पास भी था महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी की दिलो इच्छा थी कि जितने भी खराब सड़कें हैं उसका मेंटेनेंस जो है ठेकेदार ना करे बल्कि डिपार्टमेंट खुद करे। इसके लिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया था कि डिपार्टमेंट जो है पायलट रन करके इस चीज़ों को देखेगी, समीक्षा करेगी, जिस प्रकार से PWD में OPRMC है मेंटेनेंस को लेकर के। तो ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि OPRMC वगैरह जैसी योजनाएं ना हो बल्कि डिपार्टमेंट जो है खुद से मेंटेन करे। तो वैशाली जिला में इसका पायलट रन किया गया था, तो अभी क्या है स्टेटस, आप लोग डिपार्टमेंट ही मेंटेन कीजिएगा या ठेकेदारों से ही मेंटेन कराइएगा, OPRMC जैसी योजना को रद्द कीजिएगा, ये हम जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बात सत्य है कि माननीय नेता की इच्छा थी कि ये मेंटेनेंस की पॉलिसी जो है वो सरकार अपने स्तर से करे, लेकिन लोकसभा चुनाव के, जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे, जो परिस्थितियां आई, लगभग 28,000 किलोमीटर मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है, और जो पायलट प्रोजेक्ट पिछली सरकार में जब माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में इस विभाग का कार्यभार देख रहे थे, वो हम जून के पहले वो हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था कि हम कर पाए, और क्योंकि सरकार अगले साल चुनाव में जा रही है और माननीय नेता की इच्छा है कि पूरे बिहार के जितनी सड़कें हैं सबके गड्ढे को जून के पहले, बरसात के पहले हम खत्म करें, उसको बनाने का काम करें। इसीलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस बार इस वित्तीय वर्ष में जो योजना है वो हम सरकार अपने ब्लॉक वाइज यूनिट बना करके उसको बनाने का काम करें, और जो पहले की पॉलिसी थी कि बड़े बड़े यूनिट बना करके उसको बनाने का काम करें, और ठेकेदारों को भी जैसे RCD में जिस तरह से बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको ला करके इस मेंटेनेंस पॉलिसी को चुनाव के पहले हम लोग खत्म करने का काम। कुसुम देवी, अध्यक्ष महोदय, एक क्लैरिटी चाहिए, मतलब ये अब हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आपका क्या है? अध्यक्ष महोदय, बाद में उसको अलग कर लीजिए, मंत्री जल साधन विभाग अलग कर लीजिए, बताना कृपा करें क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला में छारी नदी में जो गंगा नदी से मिली है जिसमें गंदा और अस्पताल पदार्थ जमा होने से गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में गंदे पानी की जल जमाव होने से
आम जनता की काफी कठिनाइयां होती है, जबकि छारी नदी की खुदाई स्वीकृति वर्ष 2023 में ही मिली थी, जिसका कार्य हीरा पाकड़ से शुरू हुआ किया गया, परंतु गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र अधीन नदी की खुदाई का कार्य आज तक नहीं किए जाने का अपरिचित क्या है? हो गया, ठीक है, बैठिए। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। महोदय, वैसे तो उत्तर में सभी कुछ स्पष्टता से दिया हुआ है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है, विलंब के लिए जिम्मेदार कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मंत्री जी ने कहा, माननीय मंत्री बताया कि 30 जिलों में पंचायतों से 225 करोड़ में 4 करोड़ 27 लाख रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, इसके लिए कौन दोषी है और क्या यह राशि सरकारी खजाने में ही रही या निजी खाते में भी रखी गई, तथा इस पर सूद कितना प्राप्त हुआ, यह दूसरा मेरा। माननीय सरकार का पूरा जवाब सुने हैं आप। सरकार ने केवल इतना ही नहीं कहा, सरकार ने यह भी कहा कि और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, और साथ में यह भी कहा कि जो इसके लिए दोषी होंगे, नहीं अगर मिलेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, यह भी कहा। तो आपके तीनों प्रश्न के जवाब हो गए। सर, रुपया कहाँ था? सरकारी खजाने में था या कहीं और था? सरकार पैसा तो खजाने में रहता भाई। सर, यही तो बात है सर, यही तो सर बात है सर। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य, चूंकि पुराने सदस्य है, उनको सब चीज की जानकारी है, हमने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, या तो जल्द इसका आ जाएगा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र, और इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, नियम सब। सर, एक सर आखिरी छोटा सा है सर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि 221 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र किस तिथि तक प्राप्त कर लेंगे, तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण केंद्रांश से राज्य सरकार वंचित हुई या नहीं? माननीय मंत्री, इसको जल्द ही हम लोग करा लेंगे। श्रीमती प्रतिमा कुमारी बोलिए। सर, पूछती हूँ सर, जवाब प्राप्त है? हो तो गया। अरे, जवाब तो हो गया, और क्या जवाब होगा? सरकार कार्रवाई कर रही हो। प्रतिमा जी बोलिए। प्रतिमा जी कहाँ? वो तो गया। प्रतिमा जी बोलिए। प्रतिमा जी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं बोलेगा तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब मिला है, लेकिन इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय मंत्री जी, प्रतिमा कुमारी का। ये चांदपुरा से खड़गपुर तक जो बांध बना हुआ था सर, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, और वर्षों से इसका मरम्मत नहीं हुआ है। मरम्मत के नाम पे जल संसाधन पदाधिकारी बालू का बोरा 10-20 रख करके खाना पूर्ति करते हैं। जो 2022 में भी बाढ़ आया था तो लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा था, और इस बार भी बाढ़ आने के बाद जब रिसने लगा तो आप महनार SDO को बोल करके हम लोग रात में बोरा वोरा रखवाए, तो इसका मरम्मत करवाना अति आवश्यक है, और ये जवाब बिल्कुल गलत है सर। माननीय मंत्री महोदय, इसमें दो बातें हैं, एक तो कटाव निरोधक, यानी जहां जहां बांध में कटाव हुआ है उसको बचाने की बात है, और दूसरा ये बिलट चौक से मुरव्वतपुर तक बांध के ऊंचा करने की बात है। तो हमने यही कहा है कि कहीं ओवर टॉप तो किया नहीं है, ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा है कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इस बार कराया गया और आगे कटाव निरोधक कराया जाना है, ये हम लोग 25 का जो बाढ़ की अवधि होती है उससे पहले करा देंगे। और माननीय सदस्य अगर कह रही हैं कि वहाँ कुछ होता नहीं है, तो अगले बार काम करेगा तो हम कहेंगे इनको भी बुला के दिखा देगा जी, देखिए काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पूरा कैमरा, क्योंकि जब हम सवाल किए तब अधिकारियों को पता चला कि चांदपुरा से लेके खड़गपुर तक कोई बांध है भी, उसके पहले वो लोग जाते भी नहीं थे, लेकिन जब हम गए तो मिट्टी बहुत आधा कटा हुआ था, पतला सा बांध बचा हुआ था,
उसके बाद उन लोगों ने कहा कि इस बांध को चूहा ने मिट्टी कोर करके खत्म कर दिया है। तो हर बार ये लोग चूहा का बहाना बनाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। आपसे आग्रह है कि जाएंगे तो हम निश्चित रूप से, वो हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। श्री रामबली सिंह यादव जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया है महोदय, उत्तर पढ़वा दिया जाए। माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दीजिए। अपलोड तो महोदय किया हुआ है। वस्तु स्थिति यह है कि उदेरा स्थान बराज से बाया मुख्य नहर निकलती है, जो बाया मुख्य नहर के 0.25 किलोमीटर पर निर्मित अस्थायी ह्यूम पाइप आउटलेट से माधोपुर माइनर निकलती है। माधोपुर माइनर की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर है और इस माइनर के पूरी लंबाई में मिट्टी का काम कराया गया है, परंतु 5.5 किलोमीटर में ही लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो पाया है। अस्थायी आउटलेट का निर्माण वर्ष 2012 में कराया गया था और अस्थायी आउटलेट संरचना एवं शेष लंबाई में लाइनिंग कार्य निजी, चूंकि जमीन है महोदय और वहाँ जिनकी जमीन है वो अवरोध पैदा कर रहे हैं, इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है। और हम लोग तो विभाग के तरफ से ये दोनों काम भी कराना चाहते हैं, क्योंकि स्थानीय अवरोध पैदा होता है। हम तो माननीय सदस्य भी कहेंगे, हम अपने अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे कि माननीय सदस्य को साथ लेके वहाँ स्थानीय अवरोध दूर करा दें। हम लोग काम पूरा करा देंगे और जिससे कि पटवन का कार्य किसानों को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएगा। रामली जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 साल से वहाँ से विधायक हूँ और लंबे समय से उन इलाकों को हम लोग देख रहे हैं। आधा अधूरा काम करके उसमें कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कोई उसमें प्रयास तक अभी तक नहीं हुआ है और कोई रुकावट नहीं है महोदय, कोई उसमें प्रयास नहीं किया गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आप कब से प्रयास शुरू करना चाहेंगे और कब तक माधोपुर के अंतिम छोर तक आप पानी पहुंचाने का विचार रखते हैं महोदय। माननीय मंत्री। महोदय, हमने तो कहा है कि पानी अभी भी जा रहा है और अस्थायी ह्यूम पाइप आउटलेट बनाया गया है जिससे पानी जा रहा है, और सरकार तो मुस्तैद है कि जो नहर प्रणाली है उसमें लाइनिंग का काम करा दे, मतलब पक्का उसको कर दे, लेकिन अवरोध हो रहा है। इसीलिए तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपका इलाका है वहाँ सहयोग करिए, हम लोग पक्का स्ट्रक्चर भी बना देंगे, लाइनिंग भी करा देंगे, अंतिम छोर तक पूर्ण मात्रा में पानी उपलब्ध करा देंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय। हाँ जी, मेरा दावा है माननीय मंत्री जी को, उसके साथ ही पूछेंगे ना महोदय, पूरा पूछे ना। माननीय मंत्री जी को जिन पदाधिकारियों ने ये सूचना दिया है कि उसमें पानी जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहेंगे क्या इसकी आप जांच कराएंगे। वहां पानी जाने की शुरुआत ही नहीं हुई है। ठीक है, उसका जो प्रारंभिक स्थल है महोदय, छोटा प्रारंभिक स्थल है महोदय, वहां बंद कर दिया गया है और उस नहर में पानी जाने की शुरुआत तक नहीं हुई है। आधा किसानों ने, जिन किसानों ने जमीन दे चुका है वो किसान सरकार की हो गई। आपका सवाल हो गया ना, जवाब नहीं, सवाल है तो हम महोदय जानना चाह रहे हैं फिर वही सवाल कि आप कब से प्रयास शुरू करेंगे और कब तक पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने का विचार आप रखते हैं। महोदय, हम तो कह रहे हैं कि जब से अवरोध दूर करा देंगे काम शुरू करा देंगे, और उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे तो हम जांच भी कराएंगे और माननीय सदस्य को भी उस जांच में रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद महोदय। जीवेश कुमार पूछता हूं सर, इसका जवाब अपलोड नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, आप देंगे ना, पत्र मान देगा महोदय। ये तटबंध पर शोभन से माकिया तक सड़क निर्माण का ये जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर हुआ है। उन्हीं को कह रहे हैं, आपको कहाँ कहा मैंने। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग,
महोदय, ये हमने इनसे बात की है, सही बात है कि किसी कारणवश पथ निर्माण से जल संसाधन में आ गया है, लेकिन प्रश्न के ही विभिन्न खंडों में देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी एम्स का निर्माण करा रहे हैं उसी क्षेत्र में, उससे और इसका महत्व बढ़ेगा। और 37 किलोमीटर की सड़क है, हम लोग का विभाग तो अनापत्ति देने के लिए तैयार है, ये पथ निर्माण बना दे, क्योंकि इस पर इतना हेवी ट्रैफिक चलेगा कि हम लोग तो रोड बनाते हैं सिर्फ काम चलाओ मेंटेनेंस के लिए, वो हम लोग इनको एनओसी दे देंगे और सही यही होगा कि ये बना देंगे। वैसे भी माननीय पथ निर्माण मंत्री और उपमंत्री जी बहुत उदार हैं और इस महत्वपूर्ण काम को जरूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, आसन का आदेश शिरोधार्य है और आसन से इस उदारता को हम लोग भी ग्रहण करते रहे। श्रीकांत यादव बैठिए, अब क्या है, बैठिए, बैठ जाइए। हो गया, सड़क बनाएंगे और क्या करेंगे। श्रीकांत यादव पूरा पूछिए, उत्तर संलग्न है। जवाब उपलब्ध नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री पंचायती राज, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 45 दिनांक 29/9/2022 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग प्रतिनिधायन मद से पंचायत समिति ललातपुर हेतु 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। तत्पश्चात विभागीय पत्रांक 59 दिनांक 30/9/2022 द्वारा इस मद में आवंटन किया गया था, अतः पंचायत समिति को स्वीकृत राशि के संबंध में दिशा निर्देश पृथक रूप से निर्गत किया जाएगा। श्री अजय यादव, ये आपका कहाँ विषय है? अरे एक तो ये सारण जिले का है, नहीं एक पर्टिकुलर पंचायत का भैया, जनरल विषय नहीं ना है। अरे नहीं भाई, ये सारण जिला अंतर्गत ललातपुर पंचायत समिति का प्रश्न है। बैठिए, पूरे प्रखंड का है सर, ललातपुर का भैया। श्री अजय यादव, श्री महानंद सिंह, अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब मिला है, लेकिन हमें कहना है, पहला तो सरकार ने के तरफ से माननीय मंत्री जी ने जवाब दिए हैं कि इसको जल्द करा दिया जाएगा। जो बुलाकी बिघा दलित टोला है, छठू बिघा, देवकी बिघा, रेवटी बिघा, छठू बिघा और देवकी बिघा में थोड़ा सा जमीन का कम होने के कारण वहाँ संकट होने का वो बार दिक्कत हो जा रही, तो कब तक ये कराएंगे? इसके अलावे महोदय, उस कई गांव का हमने ये कहा है, तो उसका मैं बता दे रहा हूँ कि इसके अलावे शहर तेलपा के परसन बिघा, आगानूर जलवैया चौकी दलित टोला का एक गांव है, टेरी पंचायत के पशुरामपुर टोला देवी बिघा, कलेर बलिदाद पंचायत के टोला महरौली, कोयल इस्माइलपुर महादलित टोला, कलेर प्रखंड के करण बिघा से हृदय चक महज 2 किलोमीटर दलित टोला है महोदय। ये सब गांव जो है ये बसावट है और सड़क संपर्क सड़क से छूटा हुआ है, तो मैं कब तक माननीय मंत्री महोदय से आशा करूं कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत इस पथ को निर्माण कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट उत्तर दिया है कि माननीय नेता का ये निर्णय था कि हम 250 बसावटों को एकल संपर्कता देंगे, अब सरकार ने ये निर्णय किया है कि हम 100 बसावटों को एकल संपर्कता देंगे। पिछली की सरकारों ने भी सर्वे कराया था, लेकिन उस सर्वे में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, आबादी है, हैबिटेशन है, जो दोहरी संपर्कता प्राप्त है, तो सरकार सर्वे करा रही है, जिन जिन गाँव में जिनकी आबादी 100 से है उनको हम इसी वर्ष में एकल संपर्कता, जिनके प्राप्त नहीं है जो दलित टोले या जो भी बसावट है उनको सरकार ने निर्णय किया है कि हम एकल संपर्कता इसी वित्तीय वर्ष में उसको हम कराएंगे। महोदय,
ये हमको कहना है कि पिछले बार भी इसका ये सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद लंबित है, बहुत दिनों से ये सड़कें लंबित है और आजादी के 77 साल हो गया महोदय और वहां कोई संपर्क नहीं है। तो क्या आप ये जितना गांव जो हमने कहा इसको इस वित्तीय वर्ष में ये पूरा कराने का कृपा करेंगे? मंत्री जी ने बड़ा साफ जवाब दिया, इसके बाद क्या प्रश्न बनता? श्री वीरेंद्र कुमार आप कहां से आ गए, आप कहां से आएंगे? श्री वीरेंद्र कुमार, अरे आप इसमें कैसे आएंगे? नहीं, कैसे हो सकता है, आप इसमें नहीं आ सकते हैं ना, आप इस प्रश्न में नहीं बैठिए, पर्टिकुलर गांव का नाम इसमें बैठिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है, पूछता हूं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री वीरेंद्र कुमार, लघु जल संसाधन से आपके यहाँ ट्रांसफर हुआ? महोदय वैसे तो जिस माइनर के पुनर्स्थापन की चर्चा इन्होंने की है वह काम हम लोग जो खरीफ 2025 का समय आने वाला है उससे पहले करवा दिया जाए। लेकिन महोदय हम लोग ये हमारे ही जिले से आते हैं, एक चीज हमको नहीं समझ में आया कि रोसड़ा के ये प्रतिनिधि हैं, अब मधेपुरा के एक सुदूर इलाके के हालात का इतना गहरा अध्ययन इन्होंने करके रखा है, कोई रिश्तेदारी होगा है ना? श्री अख्तरुल इस्लाम साहिन पूछिए, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय ये जो प्रश्न है इसमें ये समस्तीपुर शहर को जाम से बचाने के लिए बूढ़ी गंडक नदी पर एक पुल का निर्माण हो रहा है, उस पुल में 4-5 किलोमीटर कुछ बारिश नगर विधानसभा और समस्तीपुर का 4-5 किलोमीटर अगर पथ निर्माण विभाग का सड़क के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से जिला विकास प्रशाखा ने लिखा है कि उसको पथ निर्माण विभाग उसको 5 किलोमीटर सड़क बना दे तो पूरा शहर बाईपास का लाभ उठा पाएगा, इसी से संदर्भ मेरा सवाल था। इन्होंने जवाब दिया है कि ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में पथ स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, पूरा क्या? तो सर ये शहर में जाम निजात के लिए अति आवश्यक है, जिला प्रशासन ने जो प्रस्ताव भेजा है हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं 4-5 किलोमीटर को बनाने का विचार रखती है या नहीं रखती? माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय वस्तु स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत प्रसंगत पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है, निर्माणाधीन पुल के साथ हकीमाबाद के तरफ से 350 मीटर एवं नागर बस्ती के तरफ से 150 मीटर लंबाई में अप्रोच पथ का निर्माण कार्य किए जाने का प्रावधान है, ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में पथ हस्तांतरण करने का कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है महोदय? सर स्पष्ट नहीं हुआ ना, वो 4-5 किलोमीटर ये 300 मीटर बता रहे हैं, पुल बनाने का उद्देश्य नहीं रहा, एक पतली संकीर्ण सड़क है ग्रामीण कार्य विभाग की, उसको पथ निर्माण से बनाना है वारिस नगर और समस्तीपुर, 4 किलोमीटर का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने भेजा है तो हम चाहेंगे कि यह घोषणा कर दें उसमें 4। हम देखवा लेते हैं उसको करवाएंगे। अजय कुमार सिंह। महोदय उत्तर नहीं आया है, लगता है सर्वर डाउन होगा इसलिए पूछ। अजय जी उत्तर नहीं आया है सर। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग कृपया उत्तर पढ़ दीजिए। महोदय तो डीपीआर पूछ रहे हैं कि कब बनवाएंगे, हमने कह दिया है कि अप्रैल 2025 तक डीपीआर बनवा दें। ठीक। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है महोदय, और इसमें मैंने प्रश्न किया है महोदय कि कोसी नदी है उसके पार में 3 गांव है, वो कहारपुर है, गोविंदपुर, मुसहरी है, बड़ी खाल है महोदय, उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है और जो सड़क बनाने का दिया है वो दूसरे प्रखंड में 40 किलोमीटर घूम के वो आएगा महोदय, जिसके वजह से उसको दूसरे पर पूरक है महोदय। हम पीपा पुल बनाने की बात किया महोदय, क्योंकि उसको एकल संपर्क भी नहीं है और वो अगर सड़क वो जो बना रहे दूसरे प्रखंड होकर वो 40 किलोमीटर चल के अपने दूसरे प्रखंड में आ रहे महोदय,
तो और सीधा 10 पंचायत के किसान का भी मामला है महोदय। मैं चाहता हूं कि उस जगह एक बीरपुर से बीरपुर जो पुल बन रहा है उससे अगर सर्विस लेन उतर जाए, नहीं तो एक पीपा पुल सर महोदय बनाना चाहते हैं। हम ये प्रश्न ग्रामीण का स्पष्ट उत्तर दिया है अध्यक्ष महोदय कि पीपा पुल के दूसरी तरफ अवस्थित हरिया बसावट सो NH 31 से हरियो कोसी बांध से संपर्कता प्राप्त है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 17 किलोमीटर एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 0.2 किलोमीटर पर पुल निर्मित है। विभाग द्वारा संप्रत राज्य के सभी बसावटों को बारामासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है, अतः अभी तत्काल इस पुल के निर्माण का कोई पेंडिंग हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं निर्णय नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एकल संपर्कता दिया हुआ है। अब फिर भी मिल लीजिएगा, कर देंगे, मिल के बात कर लीजिएगा। श्री अश्विनी ऋषि देव, उतरने माननीय मंत्री ग्रामीण विकास। अध्यक्ष महोदय, आज ही प्रश्न प्राप्त हुआ है महोदय, खंड एक उत्तर स्वीकारात्मक है। उप विकास आयुक्त अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत गुणावती के वार्ड नंबर 4 में दुर्गा स्थान के पास स्थित बालू पोखर का जीर्णोद्धार कार्य जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया है, जिसका योजना संख्या कोड नंबर 05413012WC/2053826 है। वर्तमान में पोखर में पानी है महोदय, पोखर में जैसे ही पानी सूखेगा महोदय उसके बाद इस कार्य को पूरा करा लिया जाएगा। जी ललन कुमार पूरा कुछ है ललन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का इम्पोर्टेंट सड़क नंदलालपुर बारह हाट का है। माननीय मंत्री जी का आवाज इसमें उत्तर आया है कि इसको सुदृढ़ीकरण कराएंगे, लेकिन हम मेरा सवाल ये था कि NH 80 और NH 133 को यह सड़क जोड़ता है और उसको RCD के तर्ज पर उच्च क्षमता की सड़क बनाने की जरूरत है और नाली युक्त वो सड़क जर्जर हो चुका है, ठेकेदार मेंटेनेंस नहीं कर रहा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा ये पूरक है कि क्या माननीय मंत्री जी इसको RCD के तर्ज पर उच्च क्षमता की सड़क बनाना चाहते हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग जवाब दिया है कि हम इसको पुनर्निर्माण उन्नयन नवीनकरण का कार्य और सड़क सुदृढ़ीकरण का काम जल्द से जल्द पूर्ण कराएंगे। अध्यक्ष जी ये हम सवाल था सर मंत्री जी प्लीज कि ये हम चाह रहे हैं कि ये बना था और टूट गया, इसको RCD के तर्ज पर जो आपकी अब RWD बनाती है उच्च क्षमता वाली सड़क बनाना चाहते, वो हम चाह रहे उच्च क्षमता की सड़क बन जाए, ठीक है वो टीक नहीं रहा सर। दो बाजार पड़ता है, बाराहाट और नंदलालपुर दो बड़ा बाजार पड़ता है, पानी बहता है टूट जाता है, हम उच्च क्षमता की सड़क चाहते हैं, इस पर हम कुछ सदन से आश्वासन चाहते हैं। ठीक है बनवाएंगे। श्री अजय यादव श्री अमरजीत कुशवाहा पूछिए, पूरा पूछिए अमरजीत जी। पूछता हूँ महोदय, उत्तर नहीं प्राप्त हो पाया है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, आपका ट्रांसफर क्या है अमरजीत कुशवाहा जी का, आप देंगे क्या? जी नहीं, ग्रामीण कार्य माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नहीन पथ की लंबाई 1 किलोमीटर है, जिसका महुआरी नहर से मेरवा मेन रोड SBI तक पथ के नाम से छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाइल ऐप सर्वे किया गया, जिसका सर्वे ID 54794 है। एकल संपर्कता की जांच की जा रही है, एकल संपर्कता नहीं होने पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क अवशेष योजना के तहत तत्काल निर्माण कराया जाएगा। महोदय, हम चाहते हैं कि समय सीमा बता दिया जाए, क्योंकि वो सड़क जो है मैरवा को भयंकर जाम से बचाने वाली सड़क है और बहुत जर्जर स्थिति में है, काफी आक्रोश है लोगों में, और इसलिए हम मंत्री से चाहेंगे कि एक समय सीमा के भीतर उसकी घोषणा करें कि बनवा दिया जाए, क्योंकि एकल संक्रमणता में भी नहीं आएगा, एकल संपर्क में भी नहीं आएगा और दूसरे किसी में भी नहीं आएगा, और नहर पर बनाने वाला वो सड़क है। आपका आग्रह सुना मंत्री जी ने।
श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। पूरा पूछे जी, उत्तर नहीं मिला है सर। ग्रामीण माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। खंड का सकारात्मक है, खंड दो सकारात्मक है, खंड तीन वस्तुस्थिति है कि प्रतिदिन पूर्ण नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत निर्माधीन पथ लंबाई 2.536 किलोमीटर के चयनित 2.415 किलोमीटर में बूढ़ी गंडक नदी पर अवस्थित है जो क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन बाधित है। पुल की लंबाई 59.74 किलोमीटर है। उक्त क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 1405 दिनांक 19/11/2024 द्वारा जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को भेजी गई है। पुल के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या 312 दिनांक 3/9/2024 के द्वारा संबंधित जिला के प्रभारी माननीय मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति के अनुशंसा पर पुलों की प्राथमिकता सूची उपलब्ध कराई जानी है। तदनुसार समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे मंत्री जी से कब तक उपज है? 3 साल से सर इसमें प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई उत्तर सुनते नहीं, उत्तर उन्होंने क्या कहा है? अरे हम ही मंत्री जी आश्वास्त कर रहे थे कब तक बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी तक पिछले 9 वर्षों से मुख्यमंत्री सेतु योजना बंद थी और नबार्ड के थ्रू जो पैसा भारत सरकार से आता था उसी से हमारे राज्य में पुल का निर्माण हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश पर 9 साल बाद पुनः मुख्यमंत्री सेतु योजना की इसी वित्तीय वर्ष में शुरुआत की है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा आने वाले 2025 में विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा में बहुत जगह वोटों का बहिष्कार हुआ था। इसको मद्देनजर देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य में 600 पुल निर्माण करने का उन्होंने अनुमति दिया है। इसीलिए निश्चित रूप से हमने आपको आग्रह किया है कि सभी जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जिले से प्रायोरिटी भेजेंगे और सरकार उन 600 पुलों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का माननीय नेता का निर्णय है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और मंत्री जी को। इन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 नवंबर 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। 1 श्री महबूब आलम, श्री सदेव राम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री शकील अहमद खां, श्री अजय कुमार, श्री संदीप सौरभ, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सूर्यकांत पासवान, श्री विजय कुमार, श्री मुकेश कुमार यादव, श्री गोपाल रविदास, श्री महानंद सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री शिव प्रकाश रंजन, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री रणविजय साहू। नंबर 2, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है, अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। मुद्दा जरूर गंभीर है लेकिन राज्य सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कानून भारत सरकार को बनाना है, इसलिए यहाँ नहीं कर सकते चर्चा इस पर। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री सत्यदेव राम महोदय, इसको पढ़ने दिया जाए महोदय। श्री सत्यदेव राम, कैसे पढ़ने देंगे? ये राज्य सरकार से जुड़ा हुआ मामला ही कहीं नहीं है। भारत सरकार कानून बनाने वाली है और भारत सरकार में एक बड़ी कमेटी बनी है, वहां अपनी बात आप रख सकते हैं, सारे प्रावधान हैं, तो इसका और क्या औचित्य है यहाँ पे विचार करने का? भाई जहाँ विषय रखना है वहां रखिए ना। जो कमेटी बनी है वो कमेटी सबकी बात सुन रही है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है। यह राज्य सरकार का विषय नहीं है, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, श्री महबूब आलम किशनगंज, श्री मुरारी मोहन झा अध्यक्ष महोदय, किशन अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला सहित मुरारी जी रुकिया, उनको बोलना। समस्त बिहार के मदरसों में रिक्त पड़े पदों पर
बहाली नहीं होने से सैकड़ों मदरसा शिक्षक विहीन हो गया है महोदय। पठन पाठन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मैं सरकार से सभी बाधाओं को दूर कर शिक्षकों की बहाली कर शिक्षण व्यवस्था बहाल कराने की मांग करता हूं। मुरारी मोहन जी, देखिए यह चूंकि राज्य सरकार से कहीं कोई जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसलिए यहाँ विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है। नहीं, दरभंगा पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, भारत सरकार का विषय है, वहाँ एक बड़ी कमेटी बनी है, आप अपनी बात रख रखें, सारे प्रावधान है, फिर यहाँ आना आवश्यक है। मुरारी जी, लोहिया चौक तक प्रस्तावित एम को देखते हुए सड़क को फोर लेन बनाना जनहित में अति आवश्यक है। जनमानस के हितों को देखते हुए यथा शीघ्र सभी सड़क हटाए जाए, माने के निर्णय लिया जाए। महाराज अध्यक्ष जी, अजय कुमार, अजय कुमार, राणा रणधीर महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिए पावर सब स्टेशन नहीं रहने से किसानों को सिंचाई में काफी कठिनाई हो रही है, तो मधुबन प्रखंड में कृषि फीडर के लिए पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री उमाकांत सिंह महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बिहार राज्य में किसानों को गन्ने की खेती में अत्यधिक लागत होने के कारण नुकसान का सहन करना पड़ता है, अतः सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की राशि में वृद्धि करने की सरकार से मांग करता हूं। पश्चिमी चंपारण गन्ना का बहुत महत्वपूर्ण बेल्ट है और अधिक किसान गन्ना की खेती करते हैं। अजीत कुमार सिंह जी, ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए 1954 में MIT मुजफ्फरपुर की स्थापना हुई थी। लगभग 2000 स्टूडेंट बीटेक की 9 शाखाओं और एमटेक के 5 कार्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। संस्थान हित में सरकार से MIT परिसर में स्टेडियम निर्माण पर रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री जहरुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के मापदंडों के अनुसार जाति का निर्धारण पिता के आधार पर होता है, जबकि शादीशुदा महिलाओं का जाति का निर्धारण पति के आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। EWS का निर्धारण पति की आर्थिक स्थिति पर करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री महानंद सिंह, श्री महानंद सिंह। सीमा का उल्लंघन नहीं करिए। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रत्येक विधवा महिलाओं एवं वृद्धजनों के जीवन यापन करने के लिए मिलने वाले पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर प्रति माह 3000 रुपए निर्धारित किए जाने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, अरे सुनिए ना, सदन की प्रक्रिया वो चलेगी नियमावली से ही, और जो सदन के कार्य संचालन नियमावली की प्रक्रिया का नियम 80 है और 82 हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती है, पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। श्याम बाबू यादव। अध्यक्ष महोदय, मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म भरने से बहुत छात्र छात्राएं वंचित रह गए हैं, अतः सरकार से मांग करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एवं फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त 3 दिन का समय दिया जाए। अपने स्थान पे बैठ जाइए, सारे प्रश्न आप ही के हैं, शून्यकाल आपके ही हैं, ध्यान आकर्षण भी आपके हैं, जनहित के मुद्दे क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? और इसके लिए तो फोरम बना है, वहां अपनी बात रखिए, नहीं चलाने देना चाहते हैं, सदन को नहीं चलाने देना चाहते हैं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।